बेटा बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। जस्ट आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम ये सभी क्वेश्चंस जो है इनको डिस्कस कर लेंगे। पहला है क्वेश्चन, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर, जो उसका 10 वर्गमूल 3 मीटर लंबी छाया जो है वो बनती है, ऐसे कोई मीनार है जो 30 मीटर जो है वो लंबी है, और इसकी जो है वो यहाँ पे जो छाया बनती है वो 10 वर्गमूल 3 मीटर लंबी छाया बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो आपने बताना है कि 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ इसका। हमें ऐसा दिया हुआ है, ये 30 डिग्री की मीनार है और ये हमें दिया हुआ उसकी छाया 10 वर्गमूल 3 बन रही है BC। तो हमने ABC को ही एक ट्रायंगल बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया, जिसके अंदर अगर हम टेन थीटा निकालते हैं बेटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, AB/BC के। ठीक है, तो ए बी हमें 30 दिया हुआ है और बी सी हमें 10 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 0 काट दो, 3/वर्गमूल 3 बच गया। अब मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, वर्गमूल 3 × वर्गमूल 3 लिख सकती हूँ ना, एक ही चीज़ बनेगी। तो नीचे वाली वर्गमूल 3 से ये वाली वर्गमूल 3 खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। या तो आप ऐसे करो ना कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एक ही चीज़ से। यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ऊपर भी वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे 3/वर्गमूल 3 और नीचे 3 बनेगा, तो 3 से 3 खत्म हो गया, बचा क्या, वर्गमूल 3। तो टेन थीटा वर्गमूल 3 के बराबर कब होता है, 60 डिग्री के ऊपर। तो हमारा थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण हमारा कितना बनेगा बेटा, 60 डिग्री जो है वो बनेगा। तो पहले का आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं दूसरे की। एक सीढ़ी दीवार पर के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर झुकी हुई है, यदि सीढ़ी को पाद यानी कि पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस सीढ़ी की लंबाई है, आपने लंबाई निकालनी है उस सीढ़ी की। देख लेते हैं इसका आंसर, पहले का सी लगा लें आप, दूसरे का देखिए। मान लो जो AC है हमारे पास, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये AC और जो है वो लंबाई होगी सीढ़ी की, ये दीवार की ऊंचाई है और ये उनके बीच का जो दीवार है और वहाँ से लेके सीढ़ी का जो पैर है वहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी है। तो मान लो कि AC कोई सीढ़ी है, AB दीवार है और BC जमीन का हिस्सा है, जैसे कि आकृति में दिखाया हुआ, मैंने आपको दिखाया टेबल के अंदर और फिगर के अंदर। हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री कितना होता है, BC/AC। cos क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाओगे तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, B/H के। B क्या है हमारा, बेस यानी कि BC। ठीक है, और बटा AC लिखा है यहाँ पे। cos 60 डिग्री होता है 1/2 और BC कितना दिया हुआ है, 2.5, और AC हमने निकालना है। तो यहाँ से AC आ जाएगा 2 × 2.5 मीटर, तो AC आ गया 5 मीटर। तो इसीलिए CD की जो लंबाई है वो कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 5 मीटर आ गई। तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन आप है टिक करोगे, वो भी आपका आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, पहले का भी ऑप्शन नंबर C था, दूसरे का भी आपके पास ऑप्शन नंबर C ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एक समतल पर खड़ी, समतल यानी कि सीधा जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के वर्गमूल 3 गुना है, यानी कि मान लो अगर उसकी मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, तो उसकी जो छाया बनेगी उसकी ऊंचाई होगी वर्गमूल 3 गुना h। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपने बताना है कि कितना होगा, तो उसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखिए, मान लो मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मैंने आपको बताया, तो प्रश्न के अनुसार मीनार की छाया की लंबाई वर्गमूल 3 × h मीटर होगी। तो अब हमने क्या किया, इसकी एक फिगर बना ली, इसकी एक आकृति बना ली। अब ये h जो है वो मीनार की ऊंचाई है हमारे पास, और BC जो है वर्गमूल 3h वो हमारे पास जो ये मीनार है इसका जो छाया बनेगी वो है। तो इस ABC त्रिभुज में tan थीटा क्या आएगा, AB/BC। tan थीटा यानी कि h/√3h यानी कि वर्गमूल 3h, h से h काट दो, 1/√3। ठीक है, 1/√3 कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर अपना करेक्ट ऑप्शन आपने टिक कर लेना, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, वर्गमूल 3 कब आता है, 30 डिग्री पे। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक 50 मीटर का लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है, तो सूर्य का उत्तांश मतलब एल्टीट्यूड आपने निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो भागते हुए घूमना पड़ेगा हमें। तो दिया है खंबे की छाया कितनी दी हुई है, 50/√3 मीटर। तो AB खंबा है जिसकी लंबाई 50 मीटर है,
तो त्रिभुज एबीसी में हमारे पास टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा होगा 50/50 वर्गमूल 3, यानी कि इसको इससे आपने भाग कर देना है, ठीक है। तो अब ये 50 से 50 खत्म हो जाएगा और ये वर्गमूल 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 3 ऊपर आ गया तो हमारा टेन थीटा आ गया वर्गमूल 3 के बराबर, और टेन थीटा वर्गमूल 3 का इतना कब होता है? 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये हमारा इसका डायग्राम जो है वो बनेगा, इसकी आकृति जो है वो ये बनेगी। ये हमारा सूरज था, ठीक है। ये थीटा हमने निकालना है जो कितना आया हमारा 60 डिग्री। ये हमारे पास ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर और ये इसकी क्या दी हुई है हमें, जो छाया बन रही है वो दी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर कितना आता है, फोर्थ का आंसर आता है बेटा 60 डिग्री। तो आप अपने ऑप्शन के अंदर जो भी है वो 60 डिग्री लगा लेना, ठीक है। 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। उसके बाद में मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो आप 60 डिग्री ही कर लो। एल्टीट्यूड कितना आएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, 10 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार से पाद यानी कि 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण। एक आपको ऊंचाई दे रखी है, एक उसके पैर से लेके उस बिंदु तक की दूरी दे रखी है, आपने उन्नयन कोण जो है वो निकालना है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। चलो चलते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। वन बाय वन सभी के सॉल्यूशन मैंने कर दिए हैं, आप इन्हें अपने साथ साथ ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टेन थीटा कितना दिया होगा, ए बी बटा बी सी बनेगा, ठीक है। तो टेन थीटा कितना आ गया, 10/√3/30, ठीक है। तो अब ये बन गया, जीरो से जीरो कटी तो वर्गमूल 3/3 बन गया, ठीक है। तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 को मैंने लिख दिया वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये 3 ही बनता है, ठीक है। तो tan थीटा कितना आ गया, 1/√3, तो हमारा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारा आ गया पांचवें का। तो बच्चे ये हो गए हमारे पांच क्वेश्चन, चलते हैं छठे पे। फिफ्थ का आंसर आपका 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे, उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फिफ्थ के अंदर आपने 30 डिग्री लिखना है। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन देखिए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, वह नहीं आएगा, वह आएगा बेटा, वह मतलब और 10 मीटर है, के शिखर तक एक तार के द्वारा जुड़े हैं, मतलब शिखर से जो एक 16 का है एक 10 का, और ऐसे तार से उनको जोड़ा हुआ है जिसकी लंबाई एल मीटर है। यदि तार क्षैतिज यानी कि समतल से, क्षैतिज यानी कि ये वाला, इससे कहाँ पे झुकी हुई है, 30 डिग्री पे, यानी कि ये वाला कोण आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने तार की जो लंबाई है वो निकालनी है कि तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको इसका आंसर, कि आंसर कितना आएगा। सो आंसर पे मूव कर लेते हैं, ये रहा सिक्स का आंसर। मान लो ए ई जो है वो खंबे की ऊंचाई है, ठीक है, जो हमें 10 मीटर दी हुई है पहले खंबे की ऊंचाई, और बी डी जो है वो दूसरे खंबे की ऊंचाई है जो हमें 16 मीटर दी हुई है, डी ई ये वाली जो है ना ये तार की लंबाई है जो एल हमें दी हुई है, ठीक है। आप इस फिगर को देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ए ई ये वाली जो है वो पहले खंबा है, ये पूरा जो है वो दूसरा खंबा है, ये तार है, और ये हमें कोण दिया हुआ 30 डिग्री का, ठीक है। तो उपरोक्त आकृति के अनुसार सी डी बराबर 16-10 मीटर यानी कि 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो बेटा ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये पूरी जो है वो हमें 16 दी हुई है, ये दूसरे खंबे की जितनी भी ऊंचाई है, तो 16-10 करोगे तो ऊपर वाला ये इतना हिस्सा निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये 10 दी हुई है, ये 6 होगी, तो टोटल 16 हो गया, टोटल हमें 16 ही दी हुई है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 6, और एक कोण हमें दिया हुआ है, तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो हमने निकाला सी डी ई ये वाले त्रिभुज के अंदर, ये ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर हमारे पास हम क्या निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, जो क्या आएगा सी डी बटा डी ई। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 = 6/DE, तो डी ई कितना आ गया बेटा 12 मीटर, यानी कि हमारी लेंथ लंबाई कितनी आ गई तारा की 12 मीटर। तो आप अपनी करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक कर लें, दैट इज 12 मीटर, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, मैं आपको 12 मीटर वाला दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा 12 मीटर, ठीक है। काफ़ी लंबा है बेटा, तो काफ़ी टाइम भी लग गया मेरे को, तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन टिक कर लें, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एक पतंग समतल भूमि से 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, एक डोर से बंधी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, डोर की लंबाई निकालनी है हमने, ठीक है। सो उसके बाद में मैं आपको ना बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप देख लेना, मैं इनके आंसर्स आपको समझा देती हूँ कि आपने क्या कुछ करना है। तो सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ में देखो, मान लो धागे की लंबाई हमें x मीटर दी हुई है, पतंग की ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 50/3 मीटर। तो प्रश्न के अनुसार हम क्या निकालेंगे, हमें एक कोण भी दिया हुआ है, तो हम साइन 30 डिग्री निकाल लेंगे, वो आएगा 50/3/x।
साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, वर्गमूल 3/2, तो 50 वर्गमूल 3/x आ गया। तो x कितना आएगा, अब ये 50 वर्गमूल 3 है, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से और 3 इधर आके डिवाइड हो गया, वर्गमूल 3 इधर आके भाग हो गया, तो हमारे पास x कितना आ गया, 100 मीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उसी के साथ मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। मान लो हमें खंबे की जो ऊंचाई दी हुई है क्वेश्चन नंबर 8 में वो h मीटर दी हुई है, खंबे की जो लंबाई दी हुई है वो हमें कितनी आ जाएगी, उसकी वर्गमूल 3 गुणा है, जितनी उसकी लंबाई है उससे वर्गमूल 3 और गुणा कर दो, तो वर्गमूल 3 एच आ जाएगा एम। तो अब ये हो गया हमारे पास इसका डायग्राम कि हमें ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये अपने आप आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, ये वाले ट्रेंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा निकाल लो, ए बी बटा बी सी आ गया, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो गया, एच बटा वर्गमूल 3h, ए बी हमें पता है, ए बी ये है और बी सी जो है ये है, तो h बटा वर्गमूल 3h, ठीक है। तो ये क्या आ गया, tan थीटा, h से h खत्म कर दो, 1/√3, तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका आठवें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लें, ये आठवें क्वेश्चन का आंसर है और ये इसका जो फिगर बनानी है आपने, आकृति बनानी है वो है, थीटा आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में है जो कोण आपसे पूछा है वो आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9th जो है उसमें आपको ये आकृति से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको जो है वो एक यहाँ पे एक मान लो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो काफ़ी लंबी सारी वर्कशीट है, करते करते मेरे को भी, मैं सुबह से लगी हुई हूँ और अब जाके पूरी हुई है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है और पुल से ऊंचाई, पुल की ऊंचाई 25 मीटर है, यानी कि नाव यहाँ पे खड़ी है, ओके, यहाँ से जो पुल है उसकी दूरी 25 मीटर है और ये पुल की ऊंचाई भी कितनी है, 25 मीटर है। तो हमने नाव, तो नाव का पुल से अवनमन कोण जो है वो बताना है, ठीक है, अवनमन यानी कि नीचे वाला कोण जो है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे और क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि क्या कुछ हमने इसके अंदर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में मान लो कि ए बी बटा बी सी ऐसी आपकी एक आकृति बनेगी, आपको यहाँ पे नाव खड़ी है, ये आपका पुल है, या यहाँ पे नाव खड़ी है, ये आपका पुल है, तो नाव की पुल से दूरी आपको 25 मीटर दी हुई है, पुल की ऊंचाई आपको 25 मीटर दी हुई है। अब हमने अवनमन कोण निकालना है, अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज से नीचे की तरफ हम लेके चलते हैं, तो ये अगर थिट्टा है बेटा तो ये भी थिट्टा होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमें ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है 25 मीटर, एंगल बी जो है कोण बी वो 90 डिग्री दिया है और बी ए सी हम मान लेते हैं कि थिट्टा है हमारे पास कोण। तो ए बी सी त्रिभुज के अंदर बी ए सी बराबर डी सी ए है, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो tan थीटा क्या आएगा, ए बी बराबर बटा बी सी, ठीक है, tan थीटा आपको पता है P बटा बी होता है, ये हमने निकाल लिया। अब ए बी भी 25 है और बी सी भी 25 है, तो 25/25 tan थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, तो आपका थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लें और ये है उसकी जो फिगर है वो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। सो 10वें क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है और क्या हमने निकालना है। सो 10th में देखिए, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P और Q, ये कोई मीनार है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई Q पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो अब ये ऐसा कुछ बनेगा आपका, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई ए बी है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, 60 मीटर दी हुई है ये आपको, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अंकित चित्र बनाइए। तो अंकित चित्र जो है वो हमें बनाना है इसके अंदर। सो वो देख लेते हैं कि कैसा चित्र जो है वो बनेगा। ये क्वेश्चन ना पूरा नहीं, आपको एक आधा कोण भी इसके अंदर देना था। तो यहाँ पे ये जो आपका बनेगा चित्र वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो गया 9 और उसके बाद में ये रहा 10। तो यहाँ पे आपको ये भी गिवन है, ठीक है। आप मान लो कि पी से जो उसका कोण बन रहा है वो 30 डिग्री और Q से उसका कोण जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 45 डिग्री और आपको A भी दी हुई है 60 मीटर की, ठीक है। तो इसमें से एक पता होना चाहिए, ये ना सॉरी बेटा इंग्लिश वाला ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल ABP लिखा है ना, तो आप लिख लो त्रिभुज APB में, आगे वाला इन काट दो, ये काट दो और इसका भी इन काट के इधर लिख दो में, ठीक है। अब इसमें हम tan P निकालेंगे, tan P क्या आएगा, AB बटा PB, और tan Q निकालेंगे तो AB बटा BQ। अब tan P, P हमें 30 डिग्री दिया हुआ है,
ए भी हमें 60 दिया हुआ, तो 60 बटा पी बी, तो टेन 30 डिग्री किसके बराबर आ गया, 60 बटा पी बी के। इधर टेन 45 डिग्री किसके आ गया, 60 बटा बी क्यू के, और टेन 45 डिग्री होता है एक, तो ये बन गया 60 बटा बी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 60 बटा PB, और यहाँ से BQ तो हमारा 60 मीटर आ गया, और PB कितना आ गया, 60 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब अगर PQ, ये आप डिस्टेंस बिटवीन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे दो लोगों के बीच की दूरी है, दो आदमी जो खड़े हैं उनके बीच की दूरी है PQ, आप ये लिख लो, साथ साथ मैं बोल रही हूँ, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी। ठीक है, तो PQ को क्या लिख सकते हैं, PB प्लस BQ, दो के बीच में कटा हुआ है ना, ऐसे हमारी जो फिगर है वो बन रही है, ये A है, ये B है, ये P है और ये Q है। ठीक है, तो ये PB में BQ जोड़ोगे तो पूरी PQ बन गई ना। ठीक है, तो वही हमने किया है। अब PB हमें ऊपर से दिया हुआ है, BQ हमें दिया हुआ है, दोनों का मान यहाँ पे हमने डाला, तो हमारे पास क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू बराबर 60 वर्गमूल 3 प्लस 60 मीटर, तो 60 बाहर आ गया, वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो यहाँ से वर्गमूल 3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 मीटर, इसको जोड़ा तो हमारे पास बन गया 60 गुणा 2.732 मीटर, और यहाँ से हमारा उत्तर कितना आ गया, 1.6392 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ से 10वें क्वेश्चन का आधा पार्ट देख लें, यहाँ पे आपने लिखना दो व्यक्तियों के बीच की दूरी जो मैंने काटा है, तो यहाँ पे लिख लें दो व्यक्तियों के बीच की दूरी, बाकी आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा बाकी का पार्ट। ठीक है, और ये रही इसकी आकृति, उसके बाद में ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की आकृति, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8 की आकृति है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, उसके बाद ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आधा पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 6 की आकृति। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी का पार्ट, उसके बाद में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में ये है 4 नंबर की फिगर आकृति आपकी, क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आधा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहो पूरा ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो बच गया वो है ये। ठीक है, क्लियर, तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो उसकी आकृति आपको ये दिख रही है, क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ, ये रहा उसका आंसर, उसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो ये रहा पहले का आंसर विद आकृति। ठीक है, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।